रियासी में दिखे संदिग्ध, सेना ने चलाया तलाशी अभियान, सेना ने की इलाके की घेराबंदी। रियासी में 9 जून को तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले के बाद क्षेत्र में लगातार संदिग्ध देखे जा रहे हैं। इसके बाद सेना और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचकर आतंकियों की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाते हैं। इसी बीच शनिवार दोपहर कुडडौवा क्षेत्र में एक घर में मवेशियों को बांधने वाले कमरे में महिला ने 2 संदिग्ध देखे, जिसके बाद महिला ने इन दोनों संदिग्धों के बारे में घर के एक सदस्य को बताया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। जानकारी लगते ही पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे और आतंकियों की तलाश के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया। महिला ने पुलिस को जानकारी देते हुए कहा कि वह करीब 11 बजे मवेशियों को चारा लेने के लिए मवेशियों बांधने वाले कमरे में गई थी, जहां पर घास के गड्ढे के पीछे 2 संदिग्ध देखे। महिला ने बताया कि उन्होंने दोनों संदिग्धों को देखने के बाद उन्हें एहसास नहीं होने दिया और वहां चारा लेकर कमरे से बाहर आ गई। उन्होंने कमरे के बाहर बंधे हुए मवेशियों को चारा डाला और इसके बाद अपने घर के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी। जानकारी लगते ही सेना और पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसपी रियासी मोहित शर्मा भी मौके पर पहुंचकर जवानों के साथ आतंकियों की सर्च ऑपरेशन में जुट गए। इस दौरान ड्रोन की सहायता से भी आतंकियों की तलाश ली गई। गौरतलब है 9 जून को कंडा क्षेत्र में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले के बाद बंदराई, कोठिया, सुंदीनगन, कोलसर, डब और डडौआ क्षेत्र में संदिग्ध देखे जाने के बाद आसपास के जंगलों में सेना और पुलिस ने संयुक्त रूप से आतंकियों की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया हुआ है। सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों की लगातार तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। और शनिवार को जिस जगह पर संदिग्ध देखे जाने की सूचना प्राप्त हुई वह क्षेत्र चंडी मोड़ और कंडा से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर है। वैसे साल 2008 के बाद एक बार फिर लगातार आतंकी वारदातों से लोग डरे और चिंतित हैं। पिछले 46 दिनों में 7 आतंकी वारदातों में 11 सैन्य जवानों बलिदान दे चुके हैं और 10 आम नागरिकों की मौत हो गई है। रक्षा जानकारों के अनुसार अब इस पर निर्णायक रणनीति का समय आ चुका है। हर बार आतंकी हमला कर गायब हो गए, लेकिन इन आतंकियों की जंगलों में अब भी मौजूदगी लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि आतंकी घात लगाकर हमला करते हैं, हमला कर भाग जाते हैं। वह जंगल, पहाड़ और युद्ध में लड़ने का प्रशिक्षण लेकर आए हैं और हमें इन तक पहुंचने के लिए ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।